दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे, अगर आप अपने स्नैपचैट के अंदर कोई भी फोटो को क्लिक करते हैं या आप वीडियो बनाते हैं स्नैपचैट से, तो स्नैपचैट के अंदर आपका फोटो जो सेव रहता है, जो आपका फोटो सेव हो जाता है, उस फोटो को आप प्राइवेट करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। जैसे कि आपने स्नैपचैट के थ्रू आपने अपना कोई भी एक फ़ोटो क्लिक किया है और उस फोटो को आप छुपाना चाहते हैं, वह फ़ोटो आपके गैलरी में ना आए, तो आप अपने स्नैपचैट के अंदर छुपा सकते हैं। अगर कोई भी स्नैपचैट ओपन करेगा तो उसे भी आपका फ़ोटो शो नहीं होगा, सिर्फ आपको अपना फ़ोटो शो होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहां पर स्नैपचैट ओपन करना है। जैसे हम यहां पर अपना स्नैपचैट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस तरह से आपका स्नैपचैट ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको सबसे पहले अपने अकाउंट पर क्लिक करना होगा और जैसे आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे यहां पर आपका अकाउंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको नीचे आना होगा और यहां पर आपका मेमोरी देखने को मिल जाएगा, या आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर मेमोरी मिल जाएगा, या आपको यहां पर बैक आना होगा और जैसे आप यहां पर बैक आएंगे तो यहां पर आपको एक गैलरी का आइकन मिल जाता है यहां पर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहां पर आपका सारा फोटो आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहां पर आप स्नैप पर देखेंगे कि आपने जितना फोटो क्लिक किया है वो सारा यहां पर सेव है, और जैसे फोटो को आप प्राइवेट करना चाहते हैं उस फोटो पर आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इस फोटो को प्राइवेट करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा 3 डॉट, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा हाइड स्नैप देखने को मिलेगा, और यहां पर मिलेगा माय आईज ओनली, सिर्फ आप ही देख सकते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको यहां से बैक आना है। जैसे मान लीजिए हम एक फोटो को छुपाना चाहते हैं, यहां पर हम अपनी फोटो को क्लिक करेंगे, यानी कि इस फोटो को छुपाना चाहते हैं, तो फिर से हम यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे ऊपर, और उसके बाद यहां पर मिल जाएगा हाइड स्नैप, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको अपना एक पिन कोड सेट करना होगा और वह पिन आपको किसी को नहीं बताना है, तो हम यहां पर अपना पिन सेट करेंगे और जैसे हम सेट करते हैं उसके बाद यहां पर आ जाएगा मूव का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे और यह फोटो आपका यहां से हट जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा। इसी प्रकार आप जिसे हाइड करना चाहते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा इस तरह से, और नीचे आपको एक मिल जाएगा हाइड का आइकन, यानी कि आंख का आइकन, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मिल जाएगा मूव, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका सारा फोटो या वीडियो मूव हो जाएगा। अब बात करेंगे जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको यहां पर करना क्या होगा, अपना स्नैपचैट यानी कि स्नैपचैट फिर से ओपन करना होगा और आपको फिर से अपने फाइल पर आना होगा और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पर मिलेगा माय आईज ओनली, आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहां पर अपना लॉग डालना होगा, जो आपने कोड बनाया हुआ है और जितना फोटो वीडियो आपने छुपाया है वो यहां पर सारा देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे तरीके से आप अपने स्नैपचैट में क्लिक किया गया फोटो हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही।